दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आरक्षण की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये बिल चल रहा था लोकसभा का, 46 घंटे की इनकी मीटिंग हुई और उसके बाद जाकर लोकसभा से बिल पास कर दिया गया है। मतलब कि अब आरक्षण जनरल वालों को भी मिलने लगेगा। तो इससे हालांकि किसी को बुरा तो नहीं मानना चाहिए, और एक बात और मैं आपको यहीं पर ही बता दूं कि इससे एससी एसटी वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एससी एसटी में अभी भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनको जितना आरक्षण मिलता था उनको उतना ही मिलेगा, लेकिन अब जो है जनरल वालों को भी 10% मिलेगा। लेकिन अभी भी विधानसभा से बिल पास होना बाकी है, क्योंकि लोकसभा से तो बिल पास हो चुका है, लेकिन अभी विधानसभा से अगर उनको मत ऐसे ही मिलेगा तो पास जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोकसभा में अभी भी 323 वोट मिले हैं जनरल वालों को, और जबकि 3 लोग उनके खिलाफ थे। तो देखना ये होगा कि क्या विधानसभा से भी इसी तरह से उन लोगों को वोटिंग मिलेगी। जिस तरह से यहाँ पर बहुमत मिला है, उसी तरह से क्या उनको विधानसभा से भी बहुमत मिलेगा? नरेंद्र मोदी ने एक आवाज़ उठाई थी और सभी लोगों ने उसका सपोर्ट किया, और इतना ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने भी उन लोगों को सपोर्ट करते हुए दिखा। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों का सपोर्ट तो किया, लेकिन कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ठीक चुनाव से पहले ही ये कदम उठाया है। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी वोट मांगने के लिए ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि ये कदम पहले भी उठाया जा सकता था और स्वर्णों को पहले भी आरक्षण दिया जा सकता था। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको भी लगता है कि मोदी ने ये सिर्फ वोट मांगने के लिए ही किया है, और हमें लगता है कि इससे एससी एसटी वालों को कोई नाराजगी नहीं होगी, और वहीं जनरल वालों में भी इससे काफ़ी खुशी की लहर होगी। और दोस्तों इससे लोगों के बीच भी एक समानता देखने को मिलेगा, जो कि पहले नहीं थी, और लोगों को लगता था कि सिर्फ एससी एसटी वालों के साथ ही न्याय होता है और बाकी जनरल वालों के साथ अन्याय होता है। लेकिन अब शायद काफ़ी हद तक ये बातें कम हो जाएंगी और लोगों को लगेगा कि अब सब एक समान है और सबको एक समान अधिकार मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा कदम उठाया है नरेंद्र मोदी ने, और वहीं राहुल गांधी ने भी उनका फुल सपोर्ट करा है। संसद में इसके लिए 46 घंटे तक वोटिंग चली, और कुछ लोगों ने इसके सपोर्ट में दिया वोट तो कुछ लोगों ने इसके खिलाफ दिया, लेकिन जो सपोर्ट में थे वो 323 थे। टोटल 326 लोगों में से 323 लोगों ने बहुमत में दिया है, और मात्र 3 लोग ऐसे हैं जो इसके खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मतों से स्वर्ण वालों को आरक्षण मिलेगा, वो भी 10%। लेकिन आपको एक बार फिर बता दूं, एससी एसटी वालों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, और उन लोगों को जितना मिलता था उतना ही मिलेगा, और स्वर्णों वालों को 10% मिलेगा। मतलब कि लोगों के बीच अब समानता देखी जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।